हिमाचल में अब सरकारी वाहनों के बाद 15 साल पुराने निजी वाहन भी सड़कों से हटाने होंगे। इसके लिए राज्य सरकार जल्द स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पुराने वाहनों को दो बार टेस्टिंग का अवसर दिया जाएगा। इनमें फेल होने वाले वाहन स्क्रैप पॉलिसी में जाएंगे। केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही हटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को इंसेंटिव और प्रमोशन भी देगी। सरकार ने विभाग के काम को इंसेंटिव और प्रमोशन के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। अधिकारियों की ACR उनके काम के हिसाब से लिखी जाएगी। परिवहन निदेशक अधिकारियों को काम के टारगेट देंगे। इसी मकसद से विभाग ने RTO को पहले ही ई-व्हीकल दे दिए हैं। अब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 15 इंटरसेप्टर्स देने जा रहे हैं, जिन्हें लोग रेंट पर लेंगे। इसमें 50% सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों से किए वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिसके लिए ई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ आगामी 18 मई को धर्मशाला में आभार समारोह का आयोजन न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल का भव्य स्वागत और आभार व्यक्त किया जाएगा। इस आभार समारोह में प्रदेश भर से 1,00,000 कर्मचारी आभार समारोह में जुटेंगे, जिसके लिए जिला भर से तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली बदलेगी। OMR शीटों से परीक्षा लेने का तरीका खत्म होगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को अब पुराने जमाने की तकनीक माना जा रहा है। इससे भी पेपर लीक होने की आशंका होती है। इसके बजाय अब कंप्यूटर आधारित यानी CBT आधार पर परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रक्षा क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों ने भी OMR शीट प्रणाली बंद कर दी है। नया आयोग किस तरह का होगा, इस बारे में भी चर्चा होगी। नया आयोग भी बेहतरीन भर्ती एजेंसी की तर्ज पर बनेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को बलधर में प्रस्तावित मॉडर्न IIT तथा रनहू नियांडा में डे बोर्डिंग स्कूल हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण किया। उनके साथ नगरोटा बगवा के विधायक एवं प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली भी साथ रहे। उन्होंने कहा कि जल्द ही नगरोटा बगवा के बलधर में मॉडर्न IIT का भूमि पूजन कर निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। पत्रकारों से रूबरू होते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्डिंग स्कूल आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नमूना होंगे, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास की तमाम सुविधाएं मुहैया होंगी। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चयनित 12 स्कूलों में से 6 जिला कांगड़ा में स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने जिला कांगड़ा को हर दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला बताते हुए इसे बहुत आगे तक ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने नगरोटा के विकास के लिए स्वर्गीय GS बाली के प्रयासों को भी सराहा। 23 से 25 जून के मध्य होने वाले राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में अधिकारियों से बैठक की, जिसमें सोलन के शूलिनी मेले को हर वर्ष की भांति किस तरह से सफल बनाया जा सकता है, इन बातों पर चर्चा की गई। आज हुई बैठक में सभी अधिकारियों के द्वारा मंत्री के समक्ष तरह तरह के सुझाव रखे गए, जिसमें माँ शूलिनी की डोली के दर्शन लोगों को बिना किसी परेशानी के हो सके तथा मेले के दौरान जेब कतरों और चोरों पर नजर बनाए रखने के लिए 360 डिग्री CCTV कैमरे का इस्तेमाल हो और मेले में लगने वाले झूलों के रेट उचित हो तथा इस दौरान होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल प्रतियोगिताओं में क्या नया किया जा सकता है, इन सब चीजों पर विचार किया गया। चुराव मंडल की सनवाल पंचायत के तहत एक गांव में उपद्रव मचाने के मामले में 56 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। क्षेत्र में बिगड़ते हालातों को शांत करने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा रिजर्व बटालियन भी तैनात की गई है। ये पुलिस जवान दिन रात ड्यूटी पर तैनात है। पुलिस जवान लोगों को शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द को बनाए रखने संबंधी अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि विधानसभा क्षेत्र चुराव के एक गांव में बीते दिनों गौवंश की हत्या का मामला प्रकाश में आया था, जिसके विरोध स्वरूप बकायदा विश्व हिंदू के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए आग्रह किया था। साथ ही संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी उठाई गई थी। ऐसे में गांव में लोगों की भीड़ ने क्षेत्र के 4 से 5 घरों में जमकर तोड़फोड़ करने के बाद घरों का सामान खुले आसमान तले फेंक कर अपनी भड़ास निकाली। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस थाना तीसा से पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित जायका की वानिकी एवं प्राकृतिक संस्थान प्रबंधन परियोजनाओं की 3 दिवसीय 12वीं वार्षिक कार्यशाला को धर्मशाला से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 28% हरित आवरण है और प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जायका द्वारा वित्त पोषित वानिकी और NRM परियोजनाओं ने राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 2 वर्षों में उन्नत तकनीकों की मदद से 4,600 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पौधारोपण किया गया है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बच्चों के अभिभावक डीसी के सामने फूट फूट कर रोए। अभिभावकों ने डीसी चंबा अपूर्व देवगन से स्कूल में स्थायी अध्यापक भेजने की गुहार लगाई है। अभिभावकों ने बताया है कि छुद्रा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में स्थायी अध्यापक नहीं है। स्थायी अध्यापक न होने से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उनका भविष्य दांव पर है। बच्चों के अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी पहुंचे। डीसी अपूर्व देवगन ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि बहुत जल्द स्कूल में स्थायी अध्यापक भेजे जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तत्तापानी में 11वीं कक्षा में नॉन मेडिकल में दाखिला लेने वाले सभी 16 विद्यार्थियों ने 2 महीने के अंदर स्कूल छोड़ दिया है। इसकी मुख्य वजह स्कूल में नॉन मेडिकल विषय के अध्यापकों की तैनाती न हो पाना है। बच्चों के भविष्य को दांव पर लगता देख अभिभावकों ने तत्तापानी स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट लेकर शिमला जिले के सुन्नी स्कूल में दाखिला करवा दिया है। एक ही स्कूल से 16 बच्चों के पलायन करने से प्रदेश सरकार के उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के वादों और दावों पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने लोगों की मांग पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तत्तापानी में इसी साल नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू की थी। हिमाचल के पहाड़ों पर बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कई शहरों के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेशवासियों ने बारिश के बाद भयंकर गर्मी से राहत किसान जरूर ली है, मगर कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तूफान से सेब, नाशपाती, आम, मटर, फूलगोभी, टमाटर, शिमला मिर्च की फसल को नुकसान हुआ है। डलहौजी के न्यूनतम तापमान में सबसे ज्यादा 8.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं केलांग का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क गया है। बीते 24 घंटे के दौरान मंडी में सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।